इंडिया का त्योहार बोले तो आईपीएल शुरू हो चुका है। पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। अब टूर्नामेंट के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस भिड़ेंगी। 27 मार्च को होने वाले इस मैच का आयोजन मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में होगा। ये सुपर संडे का पहला मुकाबला होगा। 5 बार की चैंपियन मुंबई और दिल्ली के बीच मुकाबला हमेशा जानदार और शानदार रहा है। हालांकि इस मैच से पहले दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज एनरिक नौकिया पूरी तरह से फिट नहीं है और वो शुरुआत के कुछ मैच में बाहर बैठेंगे। नौकिया हिप्स एंड बैक इंजरी से जूझ रहे हैं। वही तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान और लुंगी गिरी भी ओपनिंग गेम से नदारद रह सकते हैं, जबकि डेविड वॉर्नर इस समय नेशनल ड्यूटी कर रहे हैं। वह 5 अप्रैल के बाद ही टीम से जुड़ पाएंगे। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस के लिए अच्छी खबर ये है कि सूर्य कुमार यादव पूरी तरह से फिट होकर टीम में लौट आए हैं। इस बात की जानकारी खुद मुंबई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी है। हालांकि सूर्य की दूसरे मैच से खेलने की उम्मीद है। तमाम परेशानियों के बावजूद दिल्ली और मुंबई के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। कागज और मैदान दोनों जगह पर ये टीम्स मजबूत नजर आती है। दिल्ली की टीम इस मैच में ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ और अक्षर पटेल पर काफी निर्भर रहेगी। तीनों ही खिलाड़ी मैच विनर हैं और इनके साथ सरफराज खान पर भी लोगों की निगाहें रहेंगी। सरफराज इस वक्त गजब फॉर्म में है। इस रणजी सीजन सरफराज ने 3 मैच में लगभग 138 की एवरेज से 551 रन ठोके हैं, जिसमें 2 शतक और 1 अर्धशतक शामिल है। सरफराज इससे पहले आरसीबी और पंजाब किंग्स के लिए खेल चुके हैं। वो मिडिल ऑर्डर में पारी को संभाल सकते हैं और फिनिशर की भूमिका भी निभा सकते हैं। दिल्ली के बाद अब बारी मुंबई की। मुंबई के सबसे बड़े स्टार उनके कप्तान साहब ही हैं, रोहित शर्मा। इनके अलावा ईशान किशन और पोलार्ड पर भी काफी जिम्मेदारी रहेगी। और इन सबके बीच एक खिलाड़ी और है जिससे हर कोई दिल्ली के खिलाफ देखना चाहता है। नाम है डिवाल्ड ब्रेविस, बोले तो बेबी एबी। ब्रेविस एकदम डिविलियर्स की तरह ही खेलते हैं। टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है और सबसे पहले 2022 अंडर-19 वर्ल्ड कप के दौरान चर्चा में आए थे। यहाँ ब्रेविस ने 6 मैच खेलते हुए 84 के एवरेज से 506 रन ठोके थे। अंडर-19 विश्व कप के सिंगल एडिशन में उनसे ज्यादा रन किसी भी खिलाड़ी ने नहीं बनाए हैं। ब्रेविस को फ्यूचर सुपरस्टार कहा जा रहा है। अब आते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक 30 मुकाबले खेले गए हैं। मुंबई ने 16 में जीत हासिल की है और दिल्ली ने 14 मुकाबलों में बाजी मारी है। वहीं पिछले 5 मुकाबलों में मुंबई ने 3 में जीत हासिल की है, जबकि 2 मुकाबलों में उन्हें हार मिली है। दिल्ली ने ये दोनों मुकाबले पिछले सीजन जीते थे। बीते 30 मुकाबलों में दिल्ली और मुंबई ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया है, लेकिन जब हाई वोल्टेज और पैसा वसूल मैच का जिक्र करते हैं तो याद आती है ऋषभ पंत की वानखेड़े में खेली गई एक पारी, जब उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे मुंबई के होश उड़ गए थे। हमारे इस प्रीव्यू का अगला सेगमेंट यही है। इसमें हम आपको दोनों टीम्स के बीच हुए किसी मैच के खास पारी या खास किस्सा बताएंगे। 2019 आईपीएल की बात है। टूर्नामेंट का 3रा मुकाबला वानखेड़े में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर चेस करने का फैसला किया। दिल्ली की शुरुआत बेहद खराब रही। पृथ्वी शॉ, कप्तान श्रेयस अय्यर सस्ते में निपट गए, लेकिन इसके बाद धवन और कॉलिन इंग्रम ने 50 प्लस साझेदारी की। धवन ने 43 रन और इंग्रम ने 47 रन बनाए। इसके बाद निचले ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत और इस बल्लेबाज ने वानखेड़े में धुआं उड़ा दिया। सिर्फ 27 गेंदों में 78 रन, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल रहे। स्ट्राइक रेट लगभग 289 का। दिल्ली ने 20 ओवर्स में बनाए 213 रन। जवाब में मुंबई की पूरी टीम 176 रन पर सिमट गई। टीम के लिए युवराज सिंह ने सबसे ज्यादा 35 गेंदों में 53 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। निचले ऑर्डर में कृणाल पांड्या 15 गेंद में 32 रन बनाकर आउट हुए। दिल्ली ने मुंबई को 37 रन से मात दी। तो यहाँ खत्म हुआ हमारा दिल्ली कैपिटल्स बना मुंबई इंडियंस का प्रीव्यू। ये आपके लिए लिखा है अविनाश ने, मैं हूँ गरिमा। अब आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रीव्यू में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।